बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग थैनोस। सैटर्न ग्रह के सबसे बड़े मून टाइटन पर हर कुछ सालों में एक शख्स आता है उस जन्नत की राख पर चलने जहां वो पैदा हुआ था और जिसे उसने अपने हाथों से नष्ट कर दिया था, जिसकी रगों में कॉस्मिक फायर दौड़ती है, जिसके हाथ करोड़ों मासूमों के खून से रंगे हैं। वो मौत का सौदागर है थैनोस, जो आज अपने घर आया है। लेकिन टाइटन्स के वंशज थैनोस के घर आने का मकसद उस जमीन को दोबारा तबाह करना नहीं है। थैनोस वापस इसलिए आया है ताकि वो अपनी मां की कब्र को देख सके और याद कर सके कि वो कौन है। यहां से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां एक बच्चा जन्म के दौरान अम्बिलिकल कॉर्ड्स में फंस जाता है, लेकिन डॉक्टर्स उसे बचा लेते हैं। उस बच्चे का चेहरा देखकर डॉक्टर्स कांप उठते हैं। एलार्स, जिसका ये बेटा है, वो अपने बेटे को उठाता है और उसे नाम देता है थैनोस। किसी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से थैनोस अपने ग्रहवासियों के जैसा शरीर लेकर पैदा नहीं हुआ। उसके बैंगनी रंग के शरीर और काली रंग की आंखों को देखकर हर किसी के मन में एक ही शब्द आएगा और वो शब्द है राक्षस। जब थैनोस की मां सुइसन उसे पहली बार देखती है तो वो चाकू से उसे मारने की कोशिश करती है, पर एलिस अपनी पत्नी सुइसन को रोकता है। सुइसन चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि इसकी आंखों में मौत है, अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये हम सबको मार देगा। ये मेरा बेटा नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है। थैनोस के पैदा होने के कुछ सालों बाद दिखाया जाता है कि अब वो स्कूल पढ़ता है। एक दिन वो अपने पिता को अपने नए रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि वो कैसे सबको दिखाएगा कि वो अलग क्यों दिखता है, लेकिन उसके पिता उसे अनसुना कर देते हैं। इसके बाद थैनोस अपनी माँ से मिलने जाता है, जो एक मेंटल फैसिलिटी में बंद है। थैनोस अपनी माँ से कहता है कि मैंने एक बहुत अजीब सपना देखा जिसमें मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ और कोई चिल्ला चिल्ला कर मुझे चाकू से मारने की कोशिश कर रहा है। ये वही घटना होती है जब थैनोस पैदा हुआ था, लेकिन थैनोस को नहीं पता कि जो उसने सपना देखा है दरअसल ये उसकी जिंदगी की हकीकत है। थैनोस अपनी माँ को बताता है कि वो सित्रा को फ्लावर्स देकर उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछेगा और बाद में उनके लिए भी फ्लावर्स लेकर आएगा ताकि उनका घर वापस आने का मन करे। जब थैनोस खेल रहा होता है तो पास ही कुछ लड़कियां बैठकर बोल रही होती हैं कि थैनोस की शक्ल बहुत बोरिंग है। तभी एक अजीब लड़की एकदम से बोलती है कि थैनोस कोई सिंपल म्यूटेशन नहीं है, वो उससे बढ़कर बहुत कुछ है जो वो खुद भी नहीं जानता और मैं ये उसे दिखा कर रहूंगी। अगले दिन साइंस की क्लास में बच्चे डाइसेक्शन नाइफ से एक जानवर की चीर फाड़ कर रहे होते हैं। थैनोस को उस जानवर को देखकर उल्टी आ जाती है और वो क्लास से बाहर भाग जाता है। बाहर वही अजीब लड़की खड़ी होती है। वो थैनोस से कहती है कि अगर वो इसी तरह डरपोक बना रहेगा तो वो कभी भी साइंटिस्ट नहीं बन पाएगा। थैनोस कहता है कि फिर उसे साइंटिस्ट नहीं बनना चाहिए। वो लड़की थैनोस को एक जगह के बारे में बताती है जहां उसे जाना पसंद है। थैनोस अपने दोस्तों को लेकर वहां जाता है, लेकिन वो गुफा टूटने लगती है और थैनोस अपने दोस्तों से अलग हो जाता है। 3 दिन बाद जब थैनोस उस गुफा को खोदकर वहां से बाहर आता है तो उसके साथ कई रेप्टाइल्स बाहर आ जाते हैं। वो देखता है कि उन रेप्टाइल्स ने उनके सभी दोस्तों को खा लिया है। पिछले 200 सालों से टाइटन्स पर कोई बच्चा नहीं मरा था और इस घटना में सिर्फ थैनोस जिंदा बचा है। अब जब एक छिपकली थैनोस के पास आती है तो थैनोस उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी वो अजीब लड़की वहां पर आकर बोलती है कि तुम्हें गुफा के अंदर वापस जाकर उन सभी छिपकलियों को मार देना चाहिए। थैनोस गुफा में जाता है और अपने डाइसेक्शन नाइफ से उन सब को मार डालता है। कुछ समय बाद डाइसेक्शन क्लास में टीचर बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, लेकिन थैनोस क्लास से जाने लगता है। टीचर के पूछने पर वो बोलता है कि उसे सब कुछ समझ में आ चुका है और फिर वो अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में बताता है, जो इतनी अच्छी होती है कि टीचर भी दंग रह जाता है। क्लास के बाहर थैनोस को वो अजीब लड़की मिलती है। वो कहती है कि तुम सिर्फ इकलौते ऐसे हो जो मुझे कभी बोर नहीं होने देते। थैनोस बताता है कि टीचर जो कुछ पढ़ाते हैं मुझे वो पहले से आता है, वो सब भी जो ये मुझे पढ़ा नहीं सकते। मेरे जितने ग्रेड स्कूल की हिस्ट्री में कभी किसी के नहीं थे। यहां हमें पता चलता है कि थैनोस सुपर इंटेलिजेंट है। थैनोस इस लड़की को अपनी लैब में ले जाता है, जहां कई सारे विचित्र जानवरों के नमूने थैनोस ने इकट्ठा कर रखे होते हैं। पास ही बेड पर एक गुफाओं का एप बंधा होता है। थैनोस उसकी आंखें निकालने लगता है। वो अजीब लड़की पूछती है, क्या तुम ये कर पाओगे? थैनोस कहता है कि गुफा में जो कुछ हुआ वो मेरी नादानी थी। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मेरी भूख खून की नहीं बल्कि ज्ञान की है। 12 साल की उम्र में थैनोस ने पूरे मून को खोज डाला
और 13 साल की उम्र में सैटर्न के जलते कोर को, 15 साल की उम्र में थैनोस ने गैलेक्सी के हजारों स्टार्स को जान लिया, लेकिन उसे वो जवाब नहीं मिला जो वो जानना चाहता था, जो ढूंढ रहा था कि वो कौन है और उसके पैदा होने का मकसद क्या है। घंटों घंटों तक खोज करने के बाद भी उसे उसका जवाब नहीं मिला। वो लड़की कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो। थैनोस को गुस्सा आता है। वो कहता है कि मेरा स्कूल, मेरे पेरेंट्स, यहाँ तक कि साइंस भी मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाई। मैं अपने सवालों का जवाब ढूंढूं तो कहां ढूंढूं? वो अजीब लड़की कहती है कि अभी तो तुमने ढूंढना शुरू भी नहीं किया। इसके बाद थैनोस अपने ग्रह के दो वासियों को किडनैप करता है और उन्हें मारने से पहले कहता है कि मैं इस वक्त को, इस पल को कभी नहीं भूलूंगा। जब से टाइटन ग्रह बना है, यहाँ पर किसी भी टाइटन का कभी मर्डर नहीं हुआ। यहाँ के लोगों को ये भी नहीं पता कि मर्डर क्या होता है, लेकिन थैनोस की वजह से पहली बार इस ग्रह पर मर्डर वर्ड बोला गया। खाने के वक्त थैनोस के दादा क्रोनोस थैनोस के पिता एल्रस को समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई उनके ग्रह पर मर्डर कर रहा है, पर थैनोस के पिता कहते हैं कि ये एक शांत ग्रह है और यहाँ लोगों को मर्डर का मतलब भी नहीं पता। क्रोनोस कहते हैं कि हर किसी को मर्डर का मतलब पता है, हर किसी को मर्डर करना आता है, जिस तरह से हर किसी को सांस लेना आता है, पर थैनोस के पिता उनकी बात टाल देते हैं। यहाँ पर थैनोस की माँ स्वीसन भी होती है, जो अब घर वापस आ चुकी है। वो थैनोस को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम क्या हो। थैनोस कहता है कि नहीं, आप नहीं जानती और ना ही मैं जानता हूँ। इसके बाद थैनोस डेड बॉडीज को दफनाने के लिए जाता है, तभी वो अजीब लड़की उसके पास आती है। वो पूछती है, क्या तुम अपने सवालों के जवाब नहीं चाहते? थैनोस कहता है कि कुछ सवालों के जवाब राज ही रहने चाहिए और आज के बाद थैनोस किसी को नहीं मारेगा। 2 हफ्तों के बाद थैनोस एक बार फिर से उस लड़की के पास आता है और मान लेता है कि उसे दूसरों को मारना अच्छा लगता है। वो लड़की बोलती है कि तुम अपने सच से नहीं भाग सकते। थैनोस कहता है कि तुम मेरे साथ भाग चलो, सिर्फ तुम ही मुझे समझती हो। वो लड़की कहती है कि प्यार छोटे बच्चों के लिए होता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक नादान लड़के से प्यार करूंगी? तुम जानते हो कि तुम्हारा असली प्यार क्या है, अब जल्दी से इन डेड बॉडीज को दफना दो। इसके बाद दिखाया जाता है कि थैनोस ने अपनी मॉम को बांधा हुआ है और वो उन्हें अपने टूल्स दिखाता है और बताता है कि मैंने इन टूल से 17 लोगों को मारा। सबसे पहले मैंने छोटे रेप्टाइल्स को मारा, इसके बाद बड़े जानवरों को, और अब मैं 17 इंसानों को मार चुका हूं। मैं कभी ऐसा राक्षस नहीं बनना चाहता था, मैं सिर्फ किसी से प्यार लेना चाहता था, किसी को प्यार देना चाहता था, लेकिन कोई तो कारण होगा जो मुझे खुशी नहीं मिल पाई, और अब इसका जवाब मुझे और कहीं नहीं बल्कि तुम्हारी कोख में मिलेगा, जहां से मैं पैदा हुआ था। इसके बाद थैनोस अपनी माँ स्वीसन को मार डालता है। थैनोस कहता है कि कभी कभी मुझे वो पल दिखाई देता है जब मैं पैदा हुआ था और मेरी माँ मुझे चाकू से मारने की कोशिश कर रही थी। मुझे अफसोस है कि मेरी माँ ने उस वक्त मुझे क्यों नहीं मारा। अपनी माँ को मारने के बाद थैनोस टाइटन छोड़ देता है और दूसरी गैलेक्सीज में जाता है, जहाँ इतना क्राइम होता है कि उसके मर्डर को कोई नोटिस नहीं कर पाता। क्रैब नेबुला स्टार पर पहली बार थैनोस का बेटा जन्म लेता है, पर थैनोस उसे छोड़कर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो पायरेट्स के एक शिप हॉर्कस को ज्वाइन करता है, जो जगह जगह जाकर आतंक मचाते हैं। थैनोस सैकड़ों गैलेक्सियों और प्रजातियों को अपने सामने मरता देखता है। जब शिप का कैप्टन थैनोस को लोगों को मारने के लिए कहता है तो थैनोस मना कर देता है। जल्दी थैनोस एक लुटेरे की जिंदगी, यानी कि पायरेट की लाइफ से और कई बच्चों का पिता बन बन कर थक जाता है, लेकिन वो दोनों में से कोई काम करना नहीं छोड़ता। उसे लगता है कि अगर वो ऐसा बार बार करेगा तो शायद एक दिन उसे वो प्यार महसूस होगा जो उसे अपनी जिंदगी में एक बार हुआ था। उसके किसी बच्चे के अंदर वो राक्षसी गुण नहीं होते जो उसके अंदर है, वो सब अपनी माओ जैसे होते हैं। थैनोस भूल चुका है कि उसके कितने बच्चे हैं या उसने कितने लोगों को अपने सामने मरते देखा है। वो बस ये जानता है कि उसकी संख्या इतनी है कि वो चाहकर भी उन्हें याद नहीं रख सकता। जब भी थैनोस से कोई प्यार करने की कोशिश करता है तो वो उससे दूर भाग जाता है। कभी कभी थैनोस को अपनी माँ की याद भी आती है, पर वो उन ख्यालों को अपने मन में ही दफन कर देता है। कई बार वो अजीब लड़की को भी याद करता है। वो बहुत कोशिश करता है कि उसे भूल जाए, पर उसे भूल नहीं पाता। एक दिन शिप का कैप्टन थैनोस के लोगों को ना मारने के कारण उससे गुस्सा होकर उस पर तलवार से वार करता है। थैनोस बुरी तरह से घायल हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है कि उसका अंतिम समय आ चुका है, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो थैनोस को पता चलता है कि वो मरा नहीं है बल्कि अब वो पैदा हुआ है। इसके बाद थैनोस अपने ग्रह टाइटन वापस आ जाता है अपनी माँ स्वीसन की कब्र को देखने। तभी यहाँ पर वो अजीब लड़की भी आती है। थैनोस उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि आज मैं यहाँ पर आने वाला था?
वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और अब मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगी। उस लड़की के प्यार के लिए थैनोस अपने हर एक बच्चे को और उसकी माँ को मार डालता है। जिस दिन वो अपने आखिरी बच्चे को मारता है, उसके बाद वो अपने मर्डर की गिनती करना भी छोड़ देता है। अब मर्डर करना भी थैनोस को बोरिंग लगता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। जब उससे पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों करता है, थैनोस कहता है प्यार के लिए। उधर टाइटन पर थैनोस के दादा क्रोनोस अपने बेटे एल्रेस को समझाने की कोशिश करते हैं कि थैनोस एक हैवान है, उसी ने अपनी माँ सुइसन को मारा है। लेकिन थैनोस के पिता एल्रेस इस बात पर विश्वास नहीं करते कि थैनोस ने उनकी पत्नी यानी कि अपनी माँ सुइसन को मारा है। क्रोनोस कहते हैं या तो तुम थैनोस को मारो या अपनी कब्र खुदने का इंतजार करो। वहीं थैनोस जो टाइटन से जा चुका है, उससे वो अजीब लड़की मिलने के लिए आती है। थैनोस उससे पूछता है कि मुझे तुम्हारे प्यार को पाने के लिए और कितने कत्ल करने पड़ेंगे। वो कहती है कि जिस दिन वो ये सवाल पूछना बंद कर देगा और इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि उसकी मुट्ठी में इन्फिनिटी होगी, तब वो किसी ऐसे से प्यार नहीं कर सकती जो खुद से डरता हो। थैनोस को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सैनिकों से बोलता है कि इसे यहां से लेकर जाओ। उसके सैनिक कहते हैं पर यहां पर तो कोई भी नहीं है। वो लड़की हंसकर कहती है मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता और ना ही किसी ने आज तक मुझे देखा है। तुम्हारे सैनिकों को लगता है कि तुम पागल हो और खुद से बात करते हो। थैनोस पूछता है कि तुम कौन हो। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम है डेथ यानी कि मौत, ऐसी इकलौती चीज जिससे तुम प्यार करते हो और जो तुमसे प्यार करेगी। थैनोस गुस्से में एक कॉम्ब्यूस्टन इंजन में खुद को जलाकर मारने के लिए चला जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा है जिसे वो मार नहीं सकता और वो है वो खुद। वो वापस आकर डेथ को बोलता है कि तुमने मुझे एक मॉन्स्टर बनाया है, तुम्हें मुझसे प्यार करना पड़ेगा। डेथ कहती है हाँ जरूर, तुम एक खूबसूरत जीव हो, तुम्हारी जैसा कोई भी मैंने सदियों में नहीं देखा। इसके बाद थैनोस अपने ग्रह अपने घर टाइटन वापस आ जाता है और वो टाइटन पर अटैक करता है। एक ही धमाके से वो हजारों लोगों को मार देता है। जो बचते हैं उन्हें सिर्फ यही पता चलता है कि टाइटन का बेटा थैनोस अपने घर वापस आया है। डेथ उसे इन लोगों की चीखें सुनने के लिए कहती है। वो कहती है कि जिन्हें तुम्हारे पैदा होने पर तुम्हारी पूजा करनी चाहिए थी, ये उनकी चीखें हैं। थैनोस कहता है कि अब सब खत्म हो चुका है और अब आखिरकार तुम पूरी तरह से मेरी होगी। डेथ कहती है कि अभी नहीं, अभी भी कोई जिंदा है। पीछे से थैनोस के पिता एल्रस थैनोस पर अपनी गन तान देते हैं। थैनोस पूछता है क्या तुमने गन मुझे मारने के लिए बनाई है। एल्रस कहता है कि हाँ, वैसे ही जैसे तुमने अपनी माँ को और उन हजारों मासूमों को मार डाला। लेकिन एल्रस अपनी गन नहीं चला पाता। वो थैनोस से कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। थैनोस कहता है कि मैंने इससे बेहतर गन बनाई होती। ये कहकर वो अपने पिता को अपनी लैब में ले आता है और डेथ से कहता है कि मैं यहाँ तुमसे शादी करूंगा। थैनोस के पिता कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम डेथ को देख सकते हो, इसीलिए तुमने सब कुछ किया है। अगर ऐसी कोई चीज इस दुनिया में होती, चाहे वो इनविजिबली क्यों ना हो, उसकी एनर्जी को मैं इस लैब में महसूस कर पाता। ये लड़की जिससे तुम प्यार करते हो, ये तुम्हारे दिमाग के पागलपन के अलावा और कुछ भी नहीं है। डेथ कहती है कि एल्रस पागल हो गया है, वो तुम्हारे प्यार को नहीं समझ सकता, उसे मार दो और मुझे पालो। एल्रस थैनोस से कहता है कि तुम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी किसी ऐसे पर नहीं डाल सकते जो इस दुनिया में है ही नहीं। ये सारे खून तुमने किए हैं और तुम खुद को रोक सकते हो। तुमने कभी डेथ से प्यार नहीं किया, तुमने बस खुद से प्यार किया है। डेथ कहती है कि ये झूठा है, मुझे किस करो और देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं असली हूँ कि नहीं। एल्रस कहता है कि तुम पागल हो चुके हो। थैनोस अपने पिता एल्रस से कहता है कि तुम अपनी आंखों से अपने बेटे को ब्रह्मांड को खत्म करते देखोगे और फिर हम देखेंगे कि कौन पागल होता है। थैनोस वहां से जाने लगता है और एल्रस अपने पिता क्रोनोस से प्रार्थना करता है कि वो उसके बेटे थैनोस को मार दे। वहीं थैनोस अपने पिता की बातें सुनने के बाद डेथ से पूछता है कि मैं कैसे मानूं कि मैं पागल नहीं हूं, तुम असली हो। डेथ कहती है क्योंकि तुम मेरे प्यार को महसूस कर सकते हो, और वो थैनोस को किस करती है। थैनोस को उस किस से भी कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन अब उसके पास वापस जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां थैनोस अपने ग्रह टाइटन वापस आया है। वो हर सोलर साइकिल के बाद अपने ग्रह वापस आता है, ये याद करने कि वो कौन है और अपने हर उस जुर्म को जो उसने किया है, हर उस जान को जो उसने ली है, और ये सब थैनोस ने अकेले किया है। तो ये थी पूरी कहानी थैनोस की। हालांकि इस पर मूवी नहीं बनी है, लेकिन एमसीयू की कॉमिक्स में थैनोस की पूरी कहानी दी गई है। हमने वही कहानी आपके सामने प्रस्तुत की है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।